नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्य सचिव ने बताया कि विदेशों से लाई जाने वाली विद्यार्थियों व अन्य लोगों की पहली फ्लाइट 7 मई 2020 को नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। उनमें से जो व्यक्ति हरियाणावासी है उनको प्राथमिकता के आधार पर गुरुग्राम, फरीदाबाद में पर्यटन केंद्रों व तथा अन्य चिन्हित स्थानों पर 14 दिन के क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। यहाँ पर उनके स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की भी प्रदेश के बॉर्डर बहादुरगढ़, कुंडली, फरीदाबाद व गुरुग्राम में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर रोक कर जाँच की जाए तथा उस समय और उस राज्य का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी इनसे चेक किया जाए जहां से ये लोग आए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि माइग्रेट लेबर को ट्रेन के माध्यम से बिहार व दूर दराज के प्रदेशों से भेजे जाएंगे, उनकी भी स्क्रीनिंग की जाए और उसके बाद उनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को कोविड से संबंधित डाटा नियमित तौर पर अपडेट करने, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए व्यक्तियों की सक्षमता रेटिंग तथा वर्तमान में शेल्टर कैंपों में ठहरे हुए माइग्रेट लेबर की डिटेल भेजने के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं SN राय ने कहा है कि उपायुक्त स्थानीय व्यापारियों एवं दुकानदारों के प्रतिनिधियों से मिलकर के दुकान खोलने की हर प्रकार की योजना तैयार करें ताकि बाजारों व दुकानों में भीड़ न बढ़े। उन्होंने कहा कि जो भी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि नियमों का पालन नहीं करता है और नहीं पाया जाता है तो उसको शहरी तथा स्थानीय विभाग की टीम जुर्माना करेगी तथा संबंधित दुकान को भी बंद करवा सकती है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।